भगवान देने से कहा नहीं जाता। नारद जी बिना कहे कोई क्या कर सकता है? भगवान जैसे आपके पास लक्ष्मी जी, हाँ हाँ, पिताजी के पास जैसे माता जी, हाँ 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 हाँ, वैसे भी क्या भगवान आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं और मुझे देर हो रही है। नारद जी बिना पूर्ण जानकारी के मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान जिस प्रकार बिना फल के पेड़ बिना फूल के पेड़ अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार बिना पुरुष का जीवन भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए भगवान मुझे भी ठीक है ना। हाँ हाँ भगवान करिए इस पोस्ट को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। पोस्ट को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। नीम का थाना आदर्श रामलीला शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हो। बंदर का रूप दे दिया तो फिर मजे ही मजे रहेंगे।
शेयर करें पोस्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आदर्श रामलीला जो 53 साल से चल रही है नीम कथाना, राजस्थान के सीकर नीम कथाना में पिछले 53 वर्षों से चल रही आदर्श रामलीला का लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। रोज़ाना इसी तरह लाइव प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे। आदर्श रामलीला कमेटी नीम कथाना 1967 से यह रामलीला लगातार चालू है। यहाँ के कलाकारों, यहाँ के मेहनती कलाकारों द्वारा इस भव्य रामलीला का मंचन किया जाता है, आयोजन किया जाता है, जिसमें नारद मोह आप देख रहे हो, भगवान विष्णु से नारद जी ने हरि रूप मांगा था जो बंदर का रूप मिल गया। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नीम कथाना में पिछले 53 साल से चल रही आदर्श रामलीला का भव्य लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हो, शेयर करें पोस्ट को। लाइव रामलीला का मंचन पिछले 3 साल बाद आज किया जा रहा है, आज से शुरू हो चुका है, श्राद्ध पर्व खत्म होते ही, समाप्त होते ही आदर्श रामलीला का मंचन का भव्य आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें आप नारद मोह का सीन देख रहे हो। शेयर करें पोस्ट को, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसी तरह आप रोजाना यह प्रोग्राम देख सकोगे। ताड़ का वध, राम रावण युद्ध, सीताराम विवाह, सारे आप देख सकोगे। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। पिछले 3 साल बाद यह रामलीला का मंचन आयोजन किया जा रहा है। देश में कोरोना था और कोरोना के कारण रामलीला नहीं हो सकी, लेकिन अब मंचन किया जा रहा है। नारद जी को हरि रूप मिला था वरदान में, लेकिन उन्हें बंदर का रूप मिल गया। Yeah.
विष्णु का विवाह है। शेयर करिए पोस्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। आदर्श रामलीला नीम का थाना लाइव पिछले 53 साल से चल रही है। पिछले 53 साल से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आदर्श रामलीला कमेटी नीम का थाना पिछले 53 साल से लगातार भव्य रामलीला का मंचन आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल में यह मंचन बंद हो गया था, लेकिन अब कोरोना के बाद 3 साल बाद में आज से मंचन स्टार्ट हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, रामलीला लाइव देखिए। का रूप दिया है, हरि रूप एक वानर का होता है, भगवान विष्णु का। नारद को यह हरि रूप मिला नारद जी को, जिसे अब नारद क्रोधित हो गए हैं। एक चाबी घूम गई थी, अब भगवान विष्णु के शेषनाग सैया पर आप देखोगे दृश्य को। थोड़ी देर में भगवान विष्णु और नारद संवाद आप देख सकोगे। शेयर करिए पोस्ट को, लाइव नीम का थाना आदर्श रामलीला कमेटी। शेयर करें पोस्ट को, शेयर करें। आप
शेयर करें पोस्ट को, आदर्श रामलीला लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हो, लाइव प्रोग्राम को शेयर करें कृपया, आदर्श रामलीला लोगों तक पहुंचाएं। लीला है प्रभु श्री राम की, ये कथा है भगवान विष्णु की, ये लीला है श्री राम की, ये राम लीला का मंचन है। हर कर्म का एक निश्चित फल सभी को प्राप्त होता है, यही राम लीला के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। ये माया थी भगवान की, भगवान की माया। भगवान की माया है। अब नारद जी का मोह है जो समाप्त होने जा रहा है, जो इतनी देर भ्रम में थे, मोह में थे, श्राप दे रहे थे आकर। सुनिए आप, शेयर करिए, शेयर करिए। नारद जी का मोह दूर होने के बाद में उन्होंने क्षमा मांगी है भगवान विष्णु से। यह श्राप तो मैंने अपनी इच्छा से लिए हैं, भगवान विष्णु ने यह कहा है। यह इनकी लीला थी, इन्हें श्राप मिला रावण का वध करने के लिए, राम अवतार के लिए। रावण के वध और राम अवतार के लिए भगवान विष्णु ने नारद जी से श्राप लिया लीला रचकर, और उसी का यह दृश्य आपके सामने है। शंकर जी के समान कोई दूसरा प्यारा नहीं है, जिस पर शंकर जी आए हैं वह मेरे
गण है। हे बुनियाद, हमने जो आपकी अजीम गाई है और जो अपराध किया है जिसका फल आपने साथ देकर दे दिया, हे बुनियाद शराब से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, इसका कोई उपाय बताओ और हमें क्षमा करो बुनियाद। शेयर करिए पोस्ट को, लाइव राम लीला आप देख रहे हो, शेयर करें आदर्श राम लीला लाइव को। रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ का दृश्य आप देख रहे हैं नीम का थाना की आदर्श राम लीला में। रावण विभीषण और कुंभकर्ण तपस्या शुरुआत करने जा रहे हैं, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा आदर्श राम लीला कमेंट। शेयर करें आदर्श राम लीला, पिछले 53 साल से लगातार चल रही है, कोरोना काल में 3 साल से अब शुरुआत हुई है। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण को ब्रह्मा द्वारा वरदान देने का दृश्य आप देख रहे हैं। पिता मैं ब्रह्मा, जब आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो इतना मुझको दीजिए, 3 लोक 14 भुवन का राज मुझको दीजिए। दूसरा मैं चाहता हूँ ये वर कि संसार में
सकूं किसी से। लेकिन पुत्र तुमको जो कमजोर लगे वे तो जीव छोड़ते होंगे। ठीक है पिता, मैं नर और वानर को छोड़ देता हूं। शेयर करें पोस्ट को, शेयर करें आदर्श रामलीला लाइव, इसके मन में विचार सभी लोगों तक आदर्श रामलीला लाइव पहुंचाएं, पोस्ट को शेयर करें सभी तक पहुंचाएं। लेकिन ये दूध खाते खाते नहीं फटेगा, मुझे क्या करना चाहिए? कुंभकर्ण को दे दिया, विभीषण को वरदान दे रहे हैं, वरदान मांगो, विभीषण वरदान पा रहे हैं। रामलीला के अध्यक्ष हैं सिंबू दयाल अग्रवाल, इनके अध्यक्षता में आयोजित हो रही है रामलीला, और पिछले 53 साल से लगातार इस भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है, आप देख सकते हो।